Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I am sure you all are doing good, you all are happy and healthy and you all are taking good care of yourself, following all the safety precautions and keeping yourself safe. Keeping ourselves safe is extremely important, children. हमें अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? It is very important. And since you all are small, for keeping yourself safe, you need to listen to your parents. You need to obey your elders. Whatever they say, you must follow it. अभी आप लोग क्योंकि छोटे हो तो इसीलिए सेफ रखने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स जो भी आपसे कहते हैं करने को, जो भी फॉलो करने को कहते हैं, आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है? टू कीप योरसेल्फ सेफ राइट नाउ इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आवर मेन प्रायोरिटी इज टू कीप आवरसेल्फ सेफ फिजिकली. अपने आप को हमें फिजिकली सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, हेल्दी रखना है. फिजिकली सेफ रखने से मतलब है कि टू कीप आवरसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड-19, ठीक है? इस इन्फेक्शन से हमें अपने आप को बचाना है. इससे अपने आप को बचाने के लिए जो भी आपके एल्डर्स, जो भी घर में पेरेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो जो भी ठीक समझते होंगे, दे मस्ट बी फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी रूल्स. So, keeping ourselves safe is not only the need of the hour. मतलब ऐसा नहीं है कि बस अभी सिंस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो चुका है अभी तो अभी हमको उससे अपने आप को सेफ रखना है. ऐसा नहीं है. We need to keep ourselves safe everywhere, all the time. हमें अपने आप को हर समय सेफ रखने की जरूरत है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी सेफ रखना है. घर में भी जब हम रहते हैं, देन ऑल्सो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ सेफ. और अगर कहीं हम बाहर जाते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तब तो बहुत ही जरूरी है. स्कूल जाते हो, खेलने जाते हो, पार्क में जाते हो, तो तब तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. हमें क्या, हम थोड़े केयरफुल हमें रहना जरूरी है, सो दैट किसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो. ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा. कुछ तो कभी भी हो सकता है, बट इफ वी आर केयरफुल, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? सो वी आर डूइंग दिस चैप्टर कीपिंग सेफ. हम अभी चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, कीपिंग सेफ. इन दिस चैप्टर What all have we discussed? इसमें अभी तक हमने क्या क्या बात किया कि हम अपने आप को घर पे, स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, रोड पे कैसे अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं. घर में केयरफुल रहना है. देर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, रोज हम उनको यूज करते हैं, बट सडनली एक दिन उससे कुछ मिसअप हो गया. रोज हम नाइफ से सब्जी काटते हैं, वेजिटेबल्स काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, बट वन डे सडनली थोड़े से हम केयरलेस हुए और फट से उंगली कट गई, हाथ कट गया हमारा, ठीक है? जैसे कांच की चीजें होती है, कांच है, ग्लासेस है, बाउल्स है, कांच या कोई सामान है, बॉटल है, थोड़ा केयरलेस हुए, कुछ हाथ से बाई चांस ऐसे भी गिर गया, हाथ कट गया कांच से, बहुत तुरंत हाथ कटता है. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जैसे घर में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बताया इलेक्ट्रिक स्विच है, उससे हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, बिकॉज कब कहां से करंट लग जाएगा हमें नहीं मालूम. तो उसके लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि उसको गीले हाथ से आप मत टच करो. कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फॉल्ट होती है, तो डोंट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. अगर नहीं मालूम है तो कॉल एन इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन इज द ट्रेन पर्सन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, क्योंकि इलेक्ट्रीशियंस को पता होता है कि हमें इस
ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना है, ये कैसे ठीक होगी। सो दे आर ट्रेन पीपल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उनके साथ आप मत खेलो, आयरन लगा दिया, गरम गरम आयरन टच हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, टोस्टर है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनके साथ मत खेलो, फायर के साथ मत खेलो। सो घर पे वी नीड टू बी केयरफुल। जब आप रोड पे जाते हो तो रोड पे तो केयरफुल रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोड पे इतना हैवी रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, इतनी व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। तो हमने रोड पे हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए वो भी हमने पढ़ा, कि क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, नेवर वॉक ऑन द रोड ऑल अलोन, रोड पे नहीं चलो, फुटपाथ पे चलो, ऑलवेज गो विथ सम एल्डर, किसी एल्डर के साथ जाओ, रोड पे दौड़ के नहीं रोड क्रॉस करो, रोड पे दौड़ो नहीं, फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। फिर हमने पढ़ा था सेफ्टी एट स्कूल, कि स्कूल में हमें क्या क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी, व्हाट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन शुड वी टेक इन स्कूल। जैसे स्कूल में है कि आप एक तो है कि अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई मत करो, दिस इज नॉट ओनली अ सेफ्टी प्रिकॉशन, लड़ाई नहीं करना एक बेसिक मैनर भी है। आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए जाते हो, यू गो टू स्कूल टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, यू गो टू स्कूल टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। आप स्कूल जाते हो फ्रेंड्स बनाने के लिए जाते हो, उनके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जाते हो। तो डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स, देन बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स, आपके जो टीचर्स है उनके लिए आप ओबीडियंट रहो, उनकी बात सुनो, आपके क्लास के जो भी रूल्स हैं, स्कूल के जो भी रूल्स हैं, फॉलो देम। दीज आर नॉट एग्जैक्टली सेफ्टी मेजर्स, बट दीज आर सर्टेन रूल्स, ये कुछ एक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है, इसको फॉलो करना जरूरी है। देन डू नॉट पुश एनीवन एनीवेयर, किसी को कहीं पे भी किसी भी तरीके से धक्का मत दो, धक्का देते हैं गिर जाते हैं, एंड वी नेवर नो कि किस तरह की चोट लगेगी। देन ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इन साइड द स्कूल कैंपस, आप स्कूल कैंपस में वेन एवर यू आर गोइंग एनी वेयर आउट ऑफ योर क्लास, मे बी यू आर गोइंग टू द म्यूजिक रूम, और यू आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, और यू आर गोइंग टू द असेंबली एरिया, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, एनी वेयर यू आर गोइंग, ऑलवेज वॉक इन अ लाइन, प्रॉपर लाइन, ठीक है। क्योंकि नहीं दौड़ोगे, अगर आप लाइन में नहीं चलोगे तो क्या होगा, इफ यू रन देर आर चांसेस कि एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होगी, किसी से टकराओगे, कोई गिरेगा, देन समवन विल गेट इंजर्ड, चोट लगेगी। सो ऑलवेज वॉक इन अ लाइन। देन वेट फॉर योर टर्न एवरीवेयर, मतलब क्लास में भी इफ यू विश टू से समथिंग वेट फॉर योर टर्न, और अगर आपको लगता है कि आपकी टर्न नहीं आ रही है तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड लाइक दिस, इफ यू रेज योर हैंड द टीचर अंडरस्टैंड्स दैट यू विश टू से समथिंग और यू विश टू आस्क समथिंग, ओके। देन व्हेन यू गो टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है, सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में व्हाट ऑल शुड यू फॉलो, डोंट स्टार्ट टू क्लोज टू अ स्विंग, स्विंग स्पेशली वो जो आगे पीछे करने वाला होता है, जैसे जैसे आप उसमें झूलते जाते हो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, फिर वो बहुत आगे तक जाता है और बहुत पीछे तक आता है, तो बहुत पास खड़े रहोगे तो देर आर चांसेस कि आपको चोट लग जाए। फिर वॉट एवर गेम यू प्ले, जो भी गेम खेलते हो आप उसके रूल्स को फॉलो करो, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वॉट एवर यू आर प्लेइंग, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, मतलब उस गेम के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करो, अगर आप आउट हो गए तो आउट हो गए। देन प्ले इन अ पार्क और अ ग्राउंड, नेवर प्ले ऑन द रोड और ऑन द फुटपाथ, रोड साइड पे, रोड पे कभी नहीं खेलो, खेलोगे पूरे चांसेस है कि चोट लगेगी। प्ले ग्राउंड सा दे, पार्क सा दे, वहां पे खेलो, एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड और इन अ पार्क सम एल्डर्स आर ऑल्सो देयर, कि इन केस एनीथिंग हैपेंस, किसी को चोट लग गई, कुछ हुआ, तो वहां पे एल्डर्स है टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, कि उनको पता होगा कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो लोग फटाफट कोई इमीडिएट स्टेप लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जगह पे खेलो, प्ले ग्राउंड में या पार्क में, वेयर एल्डर्स आर प्रेजेंट, जहां पे एडल्ट लोग भी प्रेजेंट हो, ठीक है। देन एवरी गेम हैज इट्स रूल, फॉलो देम, एंड व्हेन यू गो टू द प्ले ग्राउंड और पार्क यू मीट अदर चिल्ड्रन ऑल्सो,
आप दूसरे बच्चों से भी मिलते हो, मेक फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ दोस्ती करो, जो भी गेम खेलो सारे गेम के रूल को फॉलो करो और अच्छे से खेलो, चीते करो। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस लेसन। हेल्पफुल थिंग्स कैन टर्न अनसेफ विद इन नो टाइम इफ यू डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, जो कि बहुत हेल्पफुल चीजें भी हैं, वो भी मतलब पलक झपकते जिसको कहते हैं, आपको पता भी नहीं हमें चलता है और वो एकदम से अनसेफ और डेंजरस हो जाती हैं। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जैसे इसके पहले भी मैंने कई बार बताया, नाइफ, सीजर्स, ब्लेड, जिसको हम रोज यूज करते हैं, थोड़ा सा भी केयरलेस हुए फट से उससे कोई इंजरी हो गई। एंड ट्रैफिक पुलिस इज देयर टू मैनेज ट्रैफिक रूल्स ऑन द ट्रैफिक ऑन द रोड। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा, चारों तरफ ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक जाम होगा, इधर से भी व्हीकल आएंगे, उधर से भी व्हीकल आएंगे, एक्सीडेंट्स होगा। तो फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक पुलिस इज देयर टू मैनेज द ट्रैफिक। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकेंड वन, पुट क्रॉस फॉर अनसेफ एक्शन और टेक फॉर सेफ एक्शन। नाउ टूडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions. Answer the following questions. Okay, first is why do we need to follow safety rules? हमें safety rules क्यों follow करने चाहिए? Who will tell me why do we need to follow safety rules? We need to follow safety rules. We need to follow safety rules so that we don't get hurt and we remain safe. सेफ्टी रूल्स हमें क्यों फॉलो करने चाहिए? सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमें किसी भी तरह की चोट ना लगे और हम सेफ रहे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड एंड एट द प्ले ग्राउंड। राइट टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड एट द प्ले ग्राउंड, मतलब टू सेफ्टी रूल्स आपको लिखने हैं जो हम रोड पे फॉलो करते हैं एंड एट द प्ले ग्राउंड। टू सेफ्टी रूल्स to be followed first is on the road
सो रोड पे हम क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स. फर्स्ट इज वी मस्ट फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स. वी मस्ट फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स. अभी सारे हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं. दैट मीन्स cross the road at the zebra crossing, walk always on the footpath, do not play on the road or on the roadside, let an elder accompany you always whenever you are walking on the road. आप कभी भी रोड पे आते हो, whether you are covering a very small distance, घर से स्कूल तक आना है बहुत पास है, but still अगर main road से आप आ रहे हो जहां पे traffic चलता है, तो हमेशा एक elder के साथ आओ, कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करो, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करो, फुटपाथ पे चलो. ऑल दीज कम अंडर ट्रैफिक रूल्स. ये सारी बातें जो है ये सब ट्रैफिक रूल के अंदर आती हैं. दीज आर ऑल कवर्ड अंडर ट्रैफिक रूल्स. सो टू रूल्स वी हैव टू फॉलो, राइट? टू सेफ्टी रूल्स. सो फर्स्ट इज वी मस्ट फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, एंड सेकेंड इज जैसे कभी रोड क्रॉस करने के टाइम लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, लुक टुवर्ड्स योर राइट. दीज आर ऑल सेफ्टी रूल्स. दीज ऑल कम अंडर सेफ्टी रूल्स. ठीक है. सेकेंड इज व्हाइल क्रॉसिंग और वॉकिंग ऑन road, let an elder hold your hand. मतलब आप रोड कभी क्रॉस कर रहे हो या रोड पे वॉक कर रहे हो, हमेशा किसी बड़े को आपका हाथ पकड़ के चलने दो. आप एल्डर का हाथ पकड़, जैसे हाथ किसी कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा एल्डर आपका हाथ पकड़ के रखे, ठीक है, उसके साथ आप रोड क्रॉस करो. एंड व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड विद सम एल्डर और व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड विद सम एल्डर, नेवर रन, कभी दौड़ो नहीं. बिकॉज इफ यू रन, जो आपके साथ जो भी है वो लड़खड़ा के गिर सकता है, वो आपके साथ इतनी तेज अगर नहीं भाग पाता है तो दैट पर्सन माइट फॉल एंड गेट इंजर्ड. ओके, सो टू safety rules which we follow on the road, and next is two safety rules which we should follow at the playground. So road ka humne likh liya. Now let us write the rules to be followed on the playground. First is on the road. And second is on at the playground. At the playground. Playground में हमें क्या क्या rules follow करने चाहिए? Don't stand too close to a moving swing. Don't stand too close to a moving swing. And second is play in a park or a ground where other
एल्डर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो टू दीज आर जस्ट द टू सेफ्टी रूल्स. सिंस वी हैव टू राइट ओनली टू, दैट इज वाई आई एम राइटिंग ओनली टू. प्ले इन अ पार्क और अ ग्राउंड वेयर अदर एल्डर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. मतलब ऐसे पार्क या ग्राउंड में खेलो जहां पे दूसरे एल्डर्स भी प्रेजेंट हो, ठीक है. एंड डोंट स्टैंड टू क्लोज टू अ मूविंग स्विंग. जो मूविंग मतलब हिलता हुआ जो झूला होता है उसके बहुत पास में कभी भी ना खड़े हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर देन नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. हॉर्स इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है. जैसे मैंने पहले भी बताया था हॉर्स क्वेश्चन आंसर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द लेसन. वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि थोड़ा सा आप जिसका सोच के आंसर करो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ओबीडियंट Children why do obedient children face less accidents. मतलब जो obedient बच्चे होते हैं वो कम accident क्यों face करते हैं. Obedient children face less accident because obedient का मतलब क्या होता है. What do you mean by obedient? ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, ठीक है. ओबीडियंट मतलब जो एनी नॉट ओनली चाइल्ड, कोई भी जो भी पर्सन जो भी व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है बात मानता है उसे हम कहते हैं ओबीडियंट पर्सन. एनी चाइल्ड एनी एडल्ट ऑल्सो, कोई बड़ा आदमी भी हो, एनी पर्सन हु फॉलोज वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम, जो भी उसके एल्डर्स या उसके सीनियर्स उसको करने के लिए बोलते हैं वो उनकी बात मानता है तो उसे ओबीडियंट बोलते हैं. तो जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं, क्वेश्चन है कि जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं वो कम एक्सीडेंट क्यों फेस करते हैं. लेस मतलब कम, सो व्हाई डू ओबीडियंट चिल्ड्रन फेस लेस एक्सीडेंट. वो कम एक्सीडेंट क्यों फेस करते हैं, बिकॉज दे लिसन टू देयर एल्डर्स, दे लिसन टू देयर एल्डर्स एंड दे पे अटेंशन. उनके जो एल्डर्स बोलते हैं उनकी बात सुनते हैं उस पर अटेंशन देते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो उस पर काम करते हैं. अगर एल्डर्स कहते हैं कि नहीं बेटा नाइफ से मत खेलो, इट इज हार्मफुल फॉर यू, आपकी फिंगर कट सकती है, तो जो बच्चे ओबीडियंट है उन्होंने बात मान ली कि यस हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं एल्डर्स बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, वी शुड नॉट प्ले विथ नाइफ, इट मे बी हार्मफुल फॉर अस. नहीं किया. लेकिन कुछ बच्चे थोड़े जो बदमाश होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बोल रहे हैं कोई बात नहीं एक बार करके देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है फिंगर कटती है कि नहीं कटती है. अच्छा एक बार उसे कुछ काट लिया फिंगर नहीं कटी, बहुत खुश हो गए फिंगर तो नहीं कटी, चलो एक बार और करके देख लेते हैं, फिर भी फिंगर नहीं कटी, कट गया आराम से. तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि अरे पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, पेरेंट्स का तो काम है बोलते रहना, कहाँ कटी मेरी फिंगर, देखो मैंने दो बार नाइफ यूज किया और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिर से काटता हूं पता चला थर्ड टाइम करने में फिंगर कट गई, क्योंकि अभी तो सोचा कि मुझे तो आता है, थोड़े से केयरलेस हो गए एंड फिंगर कट गई, फिर रोते रोते मम्मी के पास गए, ठीक है ना. तो इसीलिए जो ओबीडियंट बच्चे होते दे फेस लेस एक्सीडेंट बिकॉज दे पे अटेंशन टू व्हाट देयर एल्डर्स टेल देम. Obedient children face less accidents because they pay
अटेंशन टू व्हाट देयर एल्डर्स, एल्डर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, टू व्हाट देयर एल्डर्स टेल देम। जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं वो कम एक्सीडेंट इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उनके एल्डर्स जो उन्हें बोलते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हॉट्स मई, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन हैपन इफ व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू डोंट होल्ड योर पेरेंट्स हैंड्स, व्हाट कैन हैपन इफ व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू डोंट होल्ड योर पेरेंट्स हैंड। मतलब कि अगर आप सड़क पे वॉक करते टाइम अगर अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं पकड़ते हो तो क्या हो सकता है। नो यू टेल मी व्हाट कैन हैपन, अगर आप रोड पे चलते टाइम अपने पेरेंट्स का, या यहाँ पे तो पेरेंट्स पूछा है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं पकड़ते हो तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यू माइट गेट हर्ट, देर आर चांसेस कि कोई व्हीकल धक्का मार सकता है। अगर आपने पेरेंट्स ने अगर आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो उनको वो देखते व्हीकल आ रहा है तो वो आपको साइड कर लेते, आपने हाथ नहीं पकड़ा, आप ऐसे वॉक कर रहे हो, सडनली कोई व्हीकल आता है और उससे अगर धक्का लग गया तो अगर हाथ नहीं पकड़ा है तो देर आर चांसेस दैट यू माइट गेट हर्ट। इफ वी आर डू नॉट होल्ड आवर, यहाँ पे योर है बिकॉज क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं पकड़ते हो तो क्या हो सकता है। सिंस यू आर राइटिंग द आंसर सो दैट इज वाई वी विल यूज आवर, कि ऐसा अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो, इफ वी डू नॉट होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी मे गेट हिट बाय एनी व्हीकल एंड गेट हर्ट। मतलब अगर हम वॉक करते टाइम, अगर रोड पे वॉक करते टाइम अगर अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं पकड़ते तो हम किसी व्हीकल से, कोई व्हीकल हमें हिट कर सकता है, मतलब किसी कोई व्हीकल हमें टक्कर मार सकता है और हमको चोट लग सकती है। ओके, देन लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स का मतलब होता है थिंग्स स्किल्स विच यू मस्ट नो इन योर डे टू डे लाइफ। ठीक है, मतलब हमको जो हमारी मतलब वो इट इज नॉट रिटन एज सच, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हमें वो चीजें, हमें वो बातें मालूम होनी चाहिए, वो हमें हमारी रोज की लाइफ में बहुत हेल्प करती है, काम आती है, दैट इज लाइफ स्किल। व्हाइल वॉकिंग डाउन अ रोड यू कम अक्रॉस अ ब्लाइंड मैन हु इज अनेबल टू क्रॉस द रोड, व्हाट विल यू डू।
अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपको कोई ब्लाइंड पर्सन मिलता है, ब्लाइंड मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट सी, तो आपको अगर कोई ब्लाइंड पर्सन मिलता है जो कि रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, अनेबल मतलब जो नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। हमने केयरिंग एंड शेयरिंग में पढ़ा था ना, केयरिंग एंड शेयरिंग चैप्टर में, कि वी शुड केयर फॉर अदर्स, वी शुड हेल्प अदर्स। अगर कोई नीडी है, किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है, तो उसे हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड एंड इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड, दैट मीन्स ही नीड्स अवर हेल्प, उसे कि हमारी हेल्प की जरूरत है। तो अगर हम देखते हैं ऐसे किसी को, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हेल्प दैट पर्सन टू क्रॉस द रोड, हमें उस पर्सन की रोड क्रॉस करने में हेल्प करना चाहिए। बिकॉज रोड पे इतने व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, जस्ट इमेजिन ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि कहां से किधर से व्हीकल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हेल्प देम टू क्रॉस द रोड। ओके, दिस इज, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, दिस कम्स फ्रॉम विद इन, ये हमें अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, वी शुड, वी मस्ट हेल्प द नीडी पीपल, जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, जैसे भी हम हेल्प कर सकते हैं, इन वॉट एवर वे वी कैन। ओके, तो चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर, ग्रुप एक्टिविटी इज लेफ्ट, वी विल डिस्कस दिस ग्रुप एक्टिविटी इन आवर नेक्स्ट क्लास। Today I will stop here only. Thank you so much, children.